और ये आज हमारे पास आई हुई है पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल के लिए। इसका पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा है, और ये टाइट चलता है बहुत। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल की, और मॉड्यूल पावर स्टीयरिंग का लगा हुआ है इसमें, ये EA पार्ट नंबर 3872053MO EA। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। कस्टमर का कहना है कि वो इसे चेंज नहीं कराना चाहते। अभी हम इसको रिपेयर करेंगे और फिर आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये प्रॉपर परफेक्टली रिपेयर हो चुका है या नहीं, और परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको पहले ओपन करते हैं। तो ये पार्ट हमने इसका ओपन कर लिया है, और ये चलते चलते ही इसने वर्क करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो इसको अब हम रिपेयर करेंगे और देखते हैं ये सक्सेस होता है या नहीं। तो चलिए चलते हैं इसको रिपेयरिंग काउंटर पर। तो ये रिपेयर हमने कर लिया है, परफेक्टली रिपेयर हो चुका है ये। बाहर तो हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, अभी हम इसको गाड़ी में लगा के टेस्ट करते हैं कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये है इसके वायरिंग के कनेक्शन। अगर कभी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग टाइट होता है तो सबसे पहले आप उसकी वायरिंग को टेस्ट कर लीजिए। कोई रैट ने कभी कभी गाड़ी में आ जाते हैं, चूहे, वो वायरिंग को कनेक्ट काट लेते हैं, तो उससे भी वायरिंग कटने की वजह से करंट नहीं मिल पाता पूरी तरीके से EPS मॉड्यूल्स को। ये मोटर का कनेक्टर है, दो वायर का, रेड और ब्लैक, और इसमें सिग्नल चलते हैं। ये ब्लैक पर वाइट लाइन जो है, ये इग्निशन का करंट है 12 वोल्ट। ये हमारा पर्पल कलर जो होता है, ये स्पीडोमीटर सिग्नल होता है। उसके बाद ये हमारा ये वाला जो वायर होता है, ये ब्लैक पे वाइट जो वायर है, ये इग्निशन ऑन करने पर 12 वोल्ट। ये पर्पल कलर वायर जो होता है, ये स्पीडोमीटर सिग्नल होता है। ये वाला जो वायर होता है, ये RPM सिग्नल होता है। और ये वाला जो वायर होता है, ये क्लस्टर मीटर में जो स्टीयरिंग की लाइट ऑन होती है उसके लिए 12 वोल्ट यूज़ होते हैं। और ये खाली वायर है, इसको नहीं भी लगाते तो भी सही से वर्क करता है। और ये जो दो वायर हैं मोटी वाली, ब्लैक पर रेड, ये पॉजिटिव 12 वोल्ट हैं, और ये ब्लैक निगेटिव बॉडी ग्राउंड। और ये ग्रीन कलर का जो कपलर है, ये टॉर्क सेंसर का कपलर है। इसमें 5 वायर होती हैं। तो पहले आप इसकी वायरिंग को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि इसमें 12 वोल्ट पॉजिटिव और बॉडी ग्राउंड ओके है या नहीं, इग्निशन का करंट 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं। सभी करंट अगर सही हैं तो उसके बाद आप इसका EPS मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं या इसको रिपेयर करा सकते हैं। तो अभी ये हमने किया है रिपेयर, इसको हम लगा के चेक करते हैं कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, या सही तरीके से ये रिपेयर हमारा हो पाया है या नहीं। तो इसकी फिटिंग कर लेते हैं एक बार। तो ये हमने फिटिंग कर ली है इसकी, इसके कनेक्टर हमने लगा दिए हैं। ये तीन कनेक्टर होते हैं, ये और ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इग्निशन ऑन हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और स्टीयरिंग हमारा परफेक्टली वर्क करने लगा है। तो इस गाड़ी में जो हमारा स्टीयरिंग का प्रॉब्लम था, स्टीयरिंग इसका टाइट हो चुका था। ये था इसका EPS मॉड्यूल EA पार्ट नंबर, जो कि हमने किया है रिपेयर, और रिपेयरिंग के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।